अग्निपथ स्कीम शुरू से ही बहुत ही क्रिटिक्स और क्रिटिसिज्म में रही है। जिस दिन से ये स्कीम लॉन्च हुई है, कहीं ना कहीं भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना भी इस स्कीम से पूरी तरीके से सहमत नहीं है। और शायद यही कारण है कि भारतीय थल सेना ने अब अग्निपथ स्कीम में चेंजेस इंट्रोड्यूस करने के लिए अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। जी हाँ, न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट 4 जून के बाद भारतीय थल सेना ने सीरीज ऑफ रिकमेंडेशंस दी हैं जो वो चाहता है कि अग्निपथ स्कीम में चेंजेस किए गए। अब पहला बदलाव जो भारतीय थल सेना चाहता है वो ये कह रहा है कि आने वाले टेन्योर्स में अग्निवीर का जो टेन्योर है वो 4 साल से उठा के 7 या 8 साल कर दिया जाए। जी हाँ, डिफेंस एस्पिरेंट्स इंडियन आर्मी ने पहला चेंज जो रिकमेंडेशन जो पहला बोला है वो ये बोला है कि अग्निवीर का टेन्योर 4 साल से उठा के 7 या 8 साल कर दिया जाए, ताकि किसी भी फील्ड में अग्निवीर रहे तो उस फील्ड में वो मास्टर बन सके। दूसरा चेंज जो भारतीय थल सेना चाहता है कि एक अग्निवीर का टेन्योर पूरा होने के बाद लगभग 70 से 80% अग्निवीर को रिटेन कर लिया जाए और 10 से 20% ही अग्निवीर को बाहर निकाला जाए। यानी कि इंडियन आर्मी दोबारा तिबारा ट्रेनिंग कॉस्ट पे नहीं बिलीव करना चाहता, ट्रेनिंग पे दोबारा बिलीव नहीं करना चाहता। इसलिए हर टेन्योर अग्निवीर के हर टेन्योर में से बजाय कि 25% को रिटेन करें, फौज चाहता है कि 70 से 80% अग्निवीर भाइयों को रिटेन किया जाए। फौज ये भी कहता है कि टेक्निकल ट्रेड्स की उम्र 17.5 से 21 ना करके 17.5 से 23 साल कर दी जाए। चौथा चीज जो फौज चाहता है, अग्निवीर की ट्रेनिंग के दौरान अगर उसको कुछ हो जाता है तो फैमिली को एक्स ग्रेटिया या एक अच्छा अमाउंट एड के तौर पे मिलना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन्स फौज के प्रति एक रिस्पेक्ट, एक अच्छी निगाहों से फौज को देखें। एस्पिरेंट्स, अगर ये सारे फैक्टर्स को न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने कंसिडर कर लिया तो आने वाले युवा के लिए अग्निवीर एक अच्छा करियर ऑप्शन दोबारा पुनः हो सकता है। अब देखना ये है कि सरकार कितने रिकमेंडेशंस को सीरियसली कंसिडर करता है। टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सरकार से आग्रह करता है कि इंडियन आर्मी की दी हुई रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करें और 17.5 से 21 साल के युवाओं के बीच में, लड़के और लड़कियों के बीच में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का क्रेज़ वैसे का वैसे ही बना रहे जैसे 2021 से पहले बना रहता था। इस विचारधारा से आप कितने सहमत हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ ये भी कमेंट करके बताइएगा कि अग्निपथ स्कीम में आप क्या क्या चेंजेस चाहते हैं। इंतज़ार रहेगा आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।